वापसी हो गई और हमको यहाँ आने में लेट हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट हो गया। मेरा एक दोस्त है ना, उसको थोड़ा कोरोना बहुत सीरियस हो गया, वो होम आइसोलेशन में था लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ा और आईसीयू में अभी वो एडमिट है। इस वजह से हम थोड़ा उसके देखरेख में लग गए थे तो हम आके कुछ बता नहीं पाए, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। अब वो बता रहा है मेरा दोस्त कि भाई जाओ अब हम थोड़ा सा ठीक हैं, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि कुछ लोग का कंट्रोवर्सी ये है कि मेरे नाम को लेके कि मेरा नाम अमित सिंह है कि क्या है, दूसरा कि क्या हमने किसी जाति विशेष को पंचर वाला बोला है या पाकिस्तान वालों को बोला है, किसी को हमने 18 बच्चे पाकिस्तान के लिए बोले थे या यहाँ के लिए बोले थे, या फिर एक जहाज उड़ाने वाले कोई मैटर है, या फिर मेरे पोस्ट को लेके ऐसा कुछ है। तो हम आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर देते हैं। इधर उधर कुछ लोग अपने चैनल चमकाने के लिए किसी को बदनाम कर सकते हैं। देखिए जब पटना में थे तो हम हर त्यौहार को मिलजुल के मनाते थे, चाहे वो रक्षाबंधन हो, सरस्वती पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, सब त्यौहार मिलजुल के मनाते थे। लॉकडाउन के होने की वजह से ऑनलाइन आना पड़ा तो कुछ लोगों को लगा कि ये खान सर ना अमित सिंह है, लोगों ने ट्रेन करा दिया कि ये इसका नाम क्या चीज़ है। अरे नाम में कुछ नहीं छुपा हुआ है। देखिए हमने एक वीडियोज में हंसी मजाक में ऐसा एक वीडियो देखेंगे, लड़कों को कभी कभी हंसी मजाक में क्या होता है, लड़के पूछने लगते हैं सर नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए, तो हंसी मजाक में आदमी कभी बोल देता है जालिम खान, कभी कुछ खान, तो इसी में हमने बोल दिया था ना मुझे अमित सिंह के नाम से भी बुलाया जाता है। हमने ये नहीं कहा कि मेरा ये नाम है, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। बुलाया जाने का मतलब क्या है, वो लड़के इतने जीत करने लगते हैं क्लास में, हो हो आप सुने होंगे उसमें हल्ला बहुत ज्यादा होता है। अब लड़के मानते नहीं है, कहते नहीं सर आप तो बोल रहे कि जालिम खान भी हमें बुलाया जाता है, जहरुद्दीन भी बुलाया जाता है, आप ऐसे क्यों किए। तो हमने उसमें बोल दिया कि लड़कों को चुप कराने के लिए बकला कर, हमको बैंक में भी यही बुलाया जाता है। हमने ये नहीं बोला कि मेरा नाम बैंक में यही है, बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कहकर बुलाते हैं। ऐसे बोलती है कि लड़का सब समझ जाए सर मुझे बैंक में भी यही बुलाया जाता है। और अब देखिए कोई अपना नाम ऐसे हंस हंस के बताएगा, वो तो ऐसे हंसी मजाक पीछे हिस्ट्री टेस्ट ले रहे थे उसी में हंसी मजाक हो रहा था। ललन टॉप से सिद्धांत जी ने हमें कॉल किया और बोले कि सर ऐसा क्या है, तो हमने भी उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं, हम हंसी मजाक में बोल रहे थे। तो देखिए ये चैनल जो है ना ये ललन टॉप के वीडियो में हमने एक स्क्रीन शॉट लिया था, एक लड़के ने कमेंट किया नाम है कुमार आशीष, इन्होंने कहा कि जो वीडियो अमित सिंह वाले क्लिप है उस दिन मैं भी क्लास किया था, उस दिन खान सर बस ऐसे ही सारे स्टूडेंट से हंसी मजाक करके ये सब बता रहे थे, जब स्टूडेंट ने उनसे नाम जानने पर जोर देने लगे थे। अरे यार इधर देखो ना, उसमें हम ये भी बोले मेरा नाम खान सर नहीं है। भैया नाम खान थोड़ी होता है, टाइटल खान होता है। हमारे एक सर थे यादव सर, उनको हम लोग यादव सर कहते थे, उनसे कोई पूछेगा कहेगा आपका नाम यादव है, तो कहे नहीं नहीं मेरा नाम राजेंद्र यादव है, तो पूरा नाम मेरा खान नहीं है, खान मेरा टाइटल है। यही तो हमने भी बोला ना कि खान मेरा नाम नहीं है, टाइटल है यार, मेरा खान सर नाम न है। और आप पढ़े लिखे जरा सोचिए कि अगर मेरा नाम खान नहीं रहता तो मेरी जितनी किताबें आती है, चाहे किरण पब्लिकेशन से आप देखेंगे, आरबीडी पब्लिकेशन देखेंगे, किरण पब्लिकेशन से तो हमने 26-27 किताबें निकाली है, उसमें सब में लिखा है खान सर। और आपको पता है कि नियम के हिसाब से आप अपने हिसाब से, जैसे आर एस अग्रवाल है तो दूसरे का नाम नहीं लिख सकते, अब आर एस अग्रवाल का नाम आपको भी नहीं पता है, पीटी उषा का नाम आपको भी पूरा नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को एस चांद इतनी अच्छी किताबें हैं, बहुत फेमस किताब है, उसका भी तो पूरा नहीं नाम पता होता। लेकिन जब हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना ISBN नंबर, तो उसमें हम बताते हैं यार वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए ना जिसे बताने के लिए, ये लोगो रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोगो का अपना, तो वहां पे भी हमको आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे रहा था, उस सब में खान है। अरे यार हम कैसे बताएं, हम उर्दू तक में किताब लिखवाएं उन लोग के लिए कि उन लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, रेलवे में हो जाए, बताओ यार उर्दू तक में किताब छपवाएं। और इसको बेसिकली दिल्ली से सप्लाई हुआ था, ये कश्मीर वगैरह में ये किताबें ज्यादा बिकती है उर्दू वर्जन में, वहां पे भी हमने खान लिखा। अरे यार कैसी मानसिकता आप लोग की, अब बताओ कोई अमित सिंह आपका उर्दू में किताब लिखेगा? हाँ भाई साहब बहुत दिमाग है आप लोग के पास। एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं बताते कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया, अब शुरू से जो हो जाता है, जैसे देखिए मुस्लिम लोग अमूमन लुंगी पहनते हैं, आप इन्हें धोती दीजिएगा तो इन्हें धोती से ऐतराज नहीं है, इन्होंने पहना नहीं है इसलिए अजीब सा लगेगा। अब पंडित जी को धोती की जगह लुंगी दीजिएगा तो कहेंगे क्या दे रहे हो, वो गलत नहीं है। जैसे हम जिंदगी में कभी जींस नहीं पहने,